दोस्तों, यह शॉर्पनर, इसके बारे में जानकारी आज बहुत अच्छे से मिल जाएगी। इसमें बहुत सारे पॉइंट होंगे जिसको हम कवर अप करेंगे और अच्छे से ये जानकारी देंगे हमारे दोस्त। नाम है इनका, क्या नाम पड़ेगा सर आपका? किशन। किशन। तो किशन जी, बताइए इस जो आपका ये शॉर्पनर है, इसको कैसे चालू करते हैं और किस तरह से इसमें फंक्शन क्या होता है, किस तरह से काम करता है ये? ये सर हमारा रॉ वाटर पंप है। ये रॉ वाटर पंप पंप हो गया जो कि हमारा रॉ वाटर को इन करता है। इन करते हैं इससे। इसके बाद आते हैं ये हमारा मल्टीग्रेड फिल्टर। ये आपका मल्टीग्रेड फिल्टर फिल्टर है, जिसको शॉर्ट में MGF भी बोलते हैं। ये MGF है जी, ये पूरा फिल्टर। इसको ये आपका ये फिल्टर थोड़ी, ये तो वाल है ना, पूरा फिल्टर बता रहा हूँ। अच्छा, ये पूरा फिल्टर है। हाँ ठीक है। तो ये हमें इसको बोलते हैं मल्टीग्रेड फिल्टर, इसका शॉर्ट नाम होता है MGF। MGF। और ये हमारा मल्टीपोल वाल्व। ये मल्टीपोल वाल्व हो गया जो कि पानी की दिशाओं को चेंज करता है। अच्छा, तो इसमें सबसे पहले होता है हमारा बैकवास। बैकवास करते हैं, बैकवास इसमें क्यों करते हैं? बैकवास हम इसलिए करते हैं जिसमें कि जो हमारा मिट्टी वगैरह जो भी जम जाती है उसको बैकवास करके और ड्रिल लाइन में निकाल लेते हैं। अच्छा। हमारा बैकवास करने के लिए हैंडल को दबा के घुमाना पड़ता है। अच्छा, ये बैकवास मोड पे आ गया। ये हमारा बैकवास, अब ये जो हमारा बैकवास है 10 से 15 मिनट चलेगा। 10 से 15 मिनट, जिससे कि हमारी मिट्टी सारी रिमूव हो जाए। मतलब हम सबसे पहले इस ये अगर हमारा फिल्टर मोड में है तो इसको हटाएंगे जब, अच्छा जब ये बैकवास करने का टाइम होता है ना, कितना देर में कब बैकवास करेंगे? 20 से 25 घंटे में बैकवास होता है। अच्छा, 20 से 25 घंटे के बाद हम फिल्टर मोड में होगा, इसको मोटर बंद रखेंगे, ये पंप जो है फीट पंप है, इसको बंद रखेंगे और बंद रखने के बाद इसको हम ऐसे दबाएंगे और इसको लाएंगे बैकवास में। बैकवास में आने के बाद इसको कितने मिनट चलाएंगे हम? ये हम चलाएंगे 10 से 15 मिनट, जब तक हमारी मिट्टी रिमूव नहीं हो जाएगी सारी। अच्छा, 10 से 15 मिनट हम इसको बैकवास में चलाना है। चलने के बाद इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद है आपको मोटर बंद करनी है सबसे पहले। फिर बंद करेंगे मोटर। मोटर पे ध्यान देना है कि जब भी हम बाल्ब को ऑपरेट करें हमारा मोटर बंद होना चाहिए। अच्छा, तो उसके बाद जैसे हम मोटर बंद करते हैं प्रेशर डाउन होने के बाद, क्योंकि प्रेशर हल्का रहेगा, प्रेशर डाउन होने के बाद तुम्हें लम्हा ले लेना है रिंच पे। फिर अभी ये जब भी, अच्छा ये प्रेशर लगा है कब काम करेगा ये सब? ये ज़्यादातर करता है फिल्टर में, फिल्टर मोड पे। अच्छा, फिल्टर पे काम करा। तो इसको हम क्या करेंगे बैक, जब इसको ये फिल्टर काम जब बैकवास हो जाता है उसके बाद फिर बंद करते हैं पंप, उसके बाद हम इसको लाते हैं रिंस मोड पे। रिंस पर ला दिए, उसके बाद क्या होगा? इसके बाद हमारा रिंस में क्या होगा, रिंस होगा जो ऊपर से पानी जाएगा नीचे से निकल जाएगा। अब पहले बैकवास में नीचे से जाता था, बैकवास में क्या होता है दोस्तों कि नीचे से पानी जाता है और टैंक के ऊपर से होकर के ये इस पाइप में आता है और यहाँ से होकर के ये ड्रेन हो जाता है। ये लाइन आया और चला गया हमारे टैंक में जो कि वेस्ट वाटर हो गया है, ये वाला, यही ना बैकवास का पॉइंट। अब उसके बाद रिंस मोड में क्या हुआ, ऊपर से जाएगा। रिंस मोड में क्या होगा, ये रिंस मोड है। रिंस मोड में जब ऑपरेट करेंगे बाल को तो ये जाएगा ऊपर से होते हुए नीचे आएगा और ये कहाँ जाएगा फिर? रिंस मोड में पानी कहाँ जाएगा फिर? ये ड्रेन में जाएगा। फिर ये भी ड्रेन में ही चला ये जाएगा, ये भी ड्रेन में जाएगा। अच्छा, इसके बाद हमें 5 से 10 मिनट चलाना है रिंस। रिंस में 10 मिनट। हाँ ठीक है, हमारा 10 मिनट हो गया। उसके बाद मोटर को फिर बंद करना है। ठीक है, मोटर बंद करने के बाद हमें लेना है इसको फिल्टर पे। अच्छा, फिर फिल्टर लाएंगे। ठीक है, फिल्टर पे हम इसको ला दिए, फिल्टर पे आ गया। हाँ, फिल्टर में क्या है कि सेम प्रोसेस रहती है जो रिंस में है वही फिल्टर में रहेगी, बस हमारी ड्रेन में ना जाके आगे चली जाती है। ठीक है, और ये फिल्टर चलता रहेगा। फिल्टर चलता रहेगा उसके बाद। इसके बाद ये हमारा कार्टेज फिल्टर। ये कार्टेज फिल्टर है, इसमें पाइप की जो माइक्रोन रेटिंग होती है वो 5 माइक्रोन है। कितना माइक्रोन का है? 5 माइक्रोन इसकी माइक्रोन रेटिंग। अच्छा, रेटिंग है इसकी 5 माइक्रोन की। ये क्या है कि जो महीन से महीन मिट्टी से रिमूव हो जाती है, इस वाले फिल्टर से जो रिमूव हो जाती है उसको ये रोक लेता है। अच्छा, महीन से महीन मिट्टी जो हमें दिखाई भी नहीं देती। उसके बाद आते हैं हम शॉर्पनर पे। फिर ये उसके बाद आ जाता है पानी वहाँ से आया और आगे यहाँ पर शॉर्पनर के लिए। ठीक है, इसको कैसे, इसमें क्या फंक्शन है शॉर्पनर में? इसमें शॉर्पनर में हमें सबसे पहले करना है रिंस। अच्छा, इसको भी हमें रिंस मोड, उसमें बैकवास करते थे इसमें रिंस करना है। ठीक है, तो ये हम घुमाएंगे हैंडल दबा के, ये आ गया हमारा रिंस। रिंस रिंस में क्या होगा, पानी नीचे से जाएगा ऊपर से निकलेगा। मतलब कि नीचे से पानी जाएगा रिंस मोड में और ऊपर से निकलेगा और ड्रेन लाइन में चला जाएगा। और ये ड्रेन लाइन में यहाँ पर पानी गिरा है, ये पानी निकल गया। ठीक है, इसके बाद 10 से 15 मिनट चलेगा हमारा रिंस पे। ठीक है, 10 से 15 मिनट चलने के बाद मोटर को ऑफ करेंगे। ठीक है, ऑफ करने के बाद हम ले लेंगे इसको रीजनरेशन पे।
फिर उसके बाद हम रीजनरेशन पर लेंगे 10-15 मिनट। रीजनरेशन पर ले लेंगे इसको, इसके बाद हमें मोटर को ऑन रख देना है, ऑन करना है। मोटर ऑन करेंगे उसके बाद क्या होगा? मोटर को ऑन करने के बाद हमें प्रेशर मेंटेन करना है। रिंस, अच्छा ये जो रीजनरेशन पॉइंट है इस पर भी पानी गिरेगा पूरा? हाँ, इसका ड्रेन में जाएगा क्योंकि इसमें नमक जाता है। अच्छा, हाँ तो अब फिर जैसे ही हम इसमें रिंस पर डाल रीजनरेशन पर डालेंगे उसके बाद हम ये वाल्व ओपन कर देंगे। अच्छा, ऐसा पंप चालू करे करेंगे कि पहले ही कर देंगे इसको? पहले ही कर देंगे। अच्छा, इसके किससे क्या होगा कि हमारा ये नमक है, नमक का सॉल्यूशन बना के हमने रखा है। इसमें आपने जो नमक डाला है इसके बारे में बताओ, कौन सा नमक इसमें हमने डाला है? 60 kg। 60 kg कौन सा नमक होता है? ये विदाउट आयोडीन नमक है। विदाउट आयोडीन नमक है, इसमें आयोडीन की मात्रा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे ये नमक है, ये नमक है दोस्तों, तो इसमें हमने 200 लीटर पानी लिया है, 60 kg नमक, 200 लीटर पानी, 60 kg नमक। अच्छा, इसको घोल दिया, अब इसको हम अब चलाएंगे मोटर। फिर मोटर चलाएंगे, मोटर चलाएंगे तो हमें देखना है कि हमारा प्रेशर 3 kg से ज़्यादा ना हो। अच्छा, जब आप मोटर चालू कर दोगे तो प्रेशर अगर 3 kg से ऊपर जाने लगे तो क्या होगा? ऊपर से ऊपर जाने लगेगा तो इसके लिए हमें ये बाल को हल्का बंद करना पड़ेगा। अच्छा, जो फीड पंप का वाल है उसको हमें थोड़ा कम कर देंगे तो प्रेशर मेंटेन करेंगे। हाँ, इसके बाद हमारा ये सॉल्यूशन जब तक पूरा खींच नहीं लेगा तब तक चलने देंगे। अच्छा, रीजनरेशन में हम जब तक ये पूरा हमारा जो ये 60 kg जो साल्ट आपने डाला है और पानी 200 लीटर, ये पूरा पानी खत्म ना हो जाए तब तक हम इसको मतलब रीजनरेशन में चलने देंगे और ये पानी ड्रेन होता रहेगा। अच्छा, तो इसमें क्या है कि जो हमारी रेजिन पड़ी हुई है वो एक, अच्छा ये टैंक जो है, ये जो आपका स्वप्ना टैंक है इसके अंदर क्या रहता है? इसके अंदर रेजिन है। इसके अंदर रेजिन रहता है। रेजिन क्या होता है? रेजिन ये वो होता है जो हार्नेस को एब्जॉर्ब करता है, यानी अपने चिपका लेता है। जब ये हार्नेस पूरी तरह चिपका लेगा तो पानी की हार्नेस रिमूव करना बंद कर देगा। अच्छा, इस ये आपका जो क्या है, ये कौन सा टैंक है? ये सॉफ्टनर है, जो सॉफ्टनर टैंक है इसका मेन फंक्शन ये है कि ये हार्डनेस को कम कर देता है। हाँ, नेल करेगा बिल्कुल। अच्छा, कितना हार्डन पानी का कितना हार्डनेस हो जाता है इसमें? ये जीरो तक कर देता है। जीरो हमें जो कंपनी है वो कि आपसे लगभग कितना हार्डनेस मांगती है? वो जीरो से 10 तक ले लेती है। अच्छा, 0 से 10 तक ले लेती है। नॉर्मली पानी का हार्डनेस कितना तक रहता है? वो सर 500 से 600 तक मिल जाता है। 500 से 600 तक पानी का हार्डनेस मिलता है? हाँ। और उसको आप कम करके जीरो करते हैं, जीरो तक ला देते हैं। हाँ। बहुत ये तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। अच्छा, और बताइए इसके बारे में। तो आप जैसे ही हमारा खींच लेगा ये पूरा नमक, तो उसके बाद हमें करना है अपना मोटर बंद। ठीक है, मोटर बंद करेंगे। मोटर बंद करने के बाद हम डाल देंगे इसको रिंस पे। फिर जब ये रीजनरेशन हो गया फिर उसके बाद मतलब हमने इसको चार्ज कर दिया, ये चार्ज करना ही कहलाता है ना? जैसे कि हमारे जो इस टैंक के अंदर जो आपका ये टैंक है, क्या टैंक का नाम बताया था? सॉफ्टनर है। सॉफ्टनर के अंदर जो आप रेजिन रहता है, रेजिन को चार्ज करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, यही ना फंक्शन? अच्छा, अब इसके बाद फिर जब रीजनरेशन हो गया उसके बाद फिर आप रिंस पे लाएंगे। अब रिंस पे लाएंगे कितना मिनट चलाना है इसको? रिंस पे तब तक चलाना है जब तक हमारा यहाँ पानी का हार्नेस जीरो नहीं हो जाएगा। अच्छा, ये तो चार्ज हो जाने के बाद हम फिर इसको रिंस पर लाएंगे, और रिंस को कितने मिनट जब तक चलाएंगे? जब तक इसका हम यहाँ पर हार्डनेस कम ना कर दें। दोस्तों, ये आपको दिख रहा होगा, पूरी अच्छे से एक्सप्लेनेशन मिल रही है। अभी आपको हम दिखाएंगे ये किस तरह से इस पानी को टेस्ट करते हैं। इसमें हर एक चीज़ आपको मिलेगा, जैसे कि ये क्या आपका? ये सर एक्वास्वेल का हार्नेस किट है। अच्छा, ये हार्नेस चेक करते किट है जी। इसमें देखो, आप देख सकते हो पूरा डायग्राम दिया हुआ है, लिखा हुआ है कैसे क्या करना है। अच्छा, इसमें हर सॉल्यूशन दिया गया है। ये TH1S है, TH1S, TH3, TH2, TH4। ये आखिर इस कोड क्या करते हैं आप इसका? ये हार्नेस है, हार्नेस चेक करते हैं इससे। अच्छा, ये आपका ये बीकर है? बीकर है। तो हार्डनेस कैसे दिख जाता है आपको? ये सब इसमें लिखा हुआ है। अच्छा, सब कुछ लिखा हुआ है इसमें। आप जो कोई कलर होता है हाँ, इसमें कलर आते हैं जब हार्नेस चेक करते हैं। अच्छा, तो पहले पिंक आएगा, पिंक के बाद जैसे हम ड्रॉप चार्जिंग करने के बाद TH3 डालेंगे तो काउंट करेंगे जैसे जितने ड्रॉप बीकर में अपने इस बीकर में डालते होंगे। हाँ, इसको इसमें 25 ml पानी ले लिया और एक चम्मच TH1 को डालेंगे इसको, इसके बाद 10 से 12 ड्रॉप डालेंगे TH2, उसके बाद हम जो हमारा कलर आ जाएगा पिंक,
पिंक का कलर आने के बाद हम ये डालेंगे TH3 और हर ड्रॉप को काउंट करेंगे। अच्छा, अगर हमारे जैसे कि हमने 2 ड्रॉप 4 ड्रॉप जितना भी आ गया तो हम उसको अपना काउंट कर लेंगे। जैसे हमारा 4 ड्रॉप में हमारा ब्लू हो गया, ब्लू कलर आ जाएगा, तो हमारा उसका मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, 2 से, जैसे कि हमने 4 ड्रॉप डाला तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मतलब अच्छा जितना आप डालेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ ड्रॉप TH3 का, तो क्या आएगा, हार्डनेस निकल आएगी। जैसे हमने 4 ड्रॉप डाला तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, कर देंगे तो उसके बाद हमारा कितना आएगा, 8 तो हमारा 8 PPM हो जाएगा। अच्छा, 8 PPM का हार्डनेस हो जाएगा उसका। अगर इसको डालने से हमें ये पता चल जाता है क्लियर? हाँ, क्लियर आता है इससे, मतलब वो सही तो होता है। हाँ, क्लियर एकदम। ये क्या दिया आपका, 2 से 40 PPM और ये 2 नंबर में दिया 40 PPM और 5 नंबर में दिया 100 PPM, ये क्या है? अगर हमें बंद कर लो। अच्छा चलो, ये कोई बात नहीं, ये PPM जो होगा आपका, ये इसका इस्तेमाल करने से आप PPM निकाल लेते हो। जैसे कि हमारा 2 से 40 PPM है, हमें अंदाजा रहता है, हमने चार्ज किया है तो हमें पता है कि हमारा हार्नेस डाउन चली गई है, तो उसके लिए हम कर लेते हैं जो जिससे 2 से काउंट होता है TH3 का यूज करते हैं। अगर हमारा 5 से 100 के ऊपर जा रही है हमारी, तो 5 से करेंगे। अच्छा, तो हमारा 5 से ये रहता है TH4, इसका 5 से करते हैं। अच्छा, कोई किट भी होता है, और भी किट कोई होता है जिससे वो दिखा दे कि उसमें जैसे मीटर की तरह किट होता है? नहीं नहीं, वो मीटर की तरह नहीं। अच्छा, ये टेस्टिंग किट आती है, टेस्टिंग करनी पड़ती है, यही आती है इसके लिए। चलो ठीक है, अब क्लियर हो गया कि किस तरह से इसको चार्ज करते हैं। उसके बाद जब ये रिंस हो जाता है 15 मिनट, मतलब जब तक हार्डनेस हमारे को क्लियर ना समझ में आ जाए, उसमें हार्डनेस हमारा 0 आ गया, इसके बाद हम इसमें और कोई कलर हो जाता है क्या जब आप चेक करते हैं? कलर होते हैं, एक पिंक, कौन सा कलर होता है? एक पहला पिंक होगा, पिंक होगा उसके बाद ब्लू। ब्लू अगर पिंक हो जाए तो हम उसके पिंक डालते हैं सॉल्यूशन बनाने के लिए। सॉल्यूशन बनाने के बाद हम डालते हैं TH3, जिससे हमें हमारा ब्लू कलर जितने भी ड्रॉप हो जाए उसी ड्रॉप को काउंट करके मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 से। अच्छा चलो, तो जैसे हमारा हार्डनेस पूरा आ जाएगा 0, 1, 2 जितना भी आ रहा है, उसके बाद हम डाल देंगे सर्विस पे। अच्छा, ये सर्विस से हम पानी अपना यूज कर सकते हैं, जहाँ सर्विस डाल देंगे। और इसमें ये और ये तो मान लीजिए कि एक और बताते हैं कि अगर यहाँ रखते हैं तो ज़्यादा फ्लो होता है, फ्लो का क्या सिस्टम? इसमें क्या होता है, जैसे कि हमें अगर सर्विस पे यहाँ पे डालते हैं तो यहाँ फ्लो कम रहता है थोड़ा। अच्छा, मतलब जैसे हमें 5 KL का टैंक भरना है तो थोड़ा टाइम लगेगा, तो हमें एक्स्ट्रा फ्लो के लिए हम इस वाले पॉइंट का यूज कर लेते हैं, इस वाले पॉइंट का यूज कर लेते हैं। तो ये पूरा यही सिस्टम है, इसका फंक्शन है कि इस पानी का जो हार्डनेस होता है उसको कम करने के लिए ये जो आपका ये सिस्टम है जिसको हम सॉफ्टनर सिस्टम बोलते हैं, ये सॉफ्टनर का इस्तेमाल किया जाता है। और इसमें आपको दिख रहा होगा ये फंक्शन है, इसका इस्तेमाल करके इससे जो पानी हमको निकलता है वो हम ले लेते हैं इस टैंक में, और टैंक से हम ले आते हैं अपने बॉयलर सिस्टम में। बॉयलर सिस्टम में क्या होता है, हमें हार्डनेस कम चाहिए था उसमें, मतलब कि हार्डनेस हमको 5 से 10 तक हार्डनेस हम लेते हैं उसमें बॉयलर सिस्टम में। कितना सिस्टम उसमें कितना हार्डनेस वहाँ पर लेते हैं उस वाले बॉयलर के लिए? 5 से 10। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है, क्योंकि अगर बॉयलर को हम मतलब कि जो सिंपल पानी है जिसकी हार्डनेस बहुत ज़्यादा होती है अगर उसका इस्तेमाल करें तो बॉयलर हमारा क्या होता है, वो ख़राब हो जाता है, वो बहुत ही नुकसानदायक होता है, बॉयलर फटने की भी चांसेस उससे रहती है, तो लाइनों में जंग भी लगती है। तो ये सिस्टम को बहुत ही अच्छा करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। उम्मीद है दोस्तों कि आज की वीडियो जो आप मेरा जो मकसद था वो कंप्लीट हुआ होगा कि सॉफ्टनर कैसे काम करता है, सॉफ्टनर में कौन कौन से आपको पार्ट्स होते हैं वो भी दिख रहा होगा, ये पूरी क्लियरिटी आपको मिल गई होगी। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, सी यू अगेन।